नमो सिद्धानंदमाय नमो नमो मंगलम जय जगदीव ज्योति जगगुरु जगानंद जगन्नाथो जगवंतो जय सुयानो तीर्थयराणम जय गुरु जय सच्चिदानंद विश्वज्ञं विश्वपरमं संघेश्वर पुरोहितं नमामि सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने तीर्थधर्मं स्वामिने अज्ञानतिमिरांधानं ज्ञानौजनशलाकं नेत्रमुन्नीतं स्तुतिः श्रीगुरवे धर्मलाभ बहुत बहुत आया। कर्म के सिद्धांत के बारे में विषय चल रहा है। गंधर्ववाद के अंदर अग्निभूति गौतम जो कि इस चार्वाक मत के सिद्धांत पर कर्म दिखाई नहीं देते इसलिए मानना, इनके बड़े भाई इंद्रबुद्धि गौतम को आत्मा दिखाई नहीं देता था इसलिए नहीं मानते थे। इनके तीसरे भाई वायु बुद्धि गौतम को शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देता है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने ये कह दिया कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा शरीर से भिन्न। इन 11 ही गणधरों के अंदर मुख्य विषय की परंपरा यही रहेगी है वैदिक ब्राह्मण। वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी वेदों का ही एक पूर्व दर्शन जो है चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन ये भी कह रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में वेदों से ही दिखता है। तो ऐसी वैदिक मान्यता के अंदर जो लोग मात्र सिर्फ नास्तिक दर्शन को चार्वाक दर्शन को ही मानते हैं उनके अंदर पहला सिद्धांत है दिखाई दे तो ही मानना, नहीं तो नहीं। दिखाई देने में ज्ञान से नहीं, दर्शन से नहीं, आत्मचक्षु से नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष से जो ग्राह्य है वही स्वीकारना, उसके सिवाय का नहीं। बस ये पूर्व भूमिका है। आप सबके अंदर इसी बात को मुख्य में ध्यान रखेंगे। बस अब बात यहाँ पर आ रही है कि किस तरह से कर्म के अस्तित्व हम सिद्ध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्म के अस्तित्व की विशालता व्यापकता सर्वव्यापीता को हम सेट कर, हम का मतलब ये है केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंत ने जिस तरह से सेट की है उसकी बात है। केवल ज्ञानी चाहे महावीर हो, चाहे पार्थनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे सिमंदर स्वामी हो, कोई भी, सबका केवल ज्ञान एक सरीका है, केवल दर्शन एक सरीका है, और केवल ज्ञान केवल दर्शन त्रैकालिक होने के कारण, तीनों काल के होने के कारण सबको एक समान एक सरीका ही दिखाई देता है, एक तरीका ही। यह विषय सिर्फ और सिर्फ केवली का है। अब गौतम को केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, तीनों भाइयों को या 11 गणधर जो बनने वाले 11 ही विद्वान पंडित है किसी को केवल ज्ञान तो हुआ ही, तो वो तो कोई प्रश्न ही है, नहीं आ रहे थी। बिना केवल ज्ञान के छद्मस्थ जीवों को तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय दर्शन, इंद्रिय ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान है, और इंद्रियों से ही चक्षु अचक्षु का दर्शन होगा। अब चक्षु अचक्षु आदि इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जो दर्शन, इंद्रियों से जितना दर्शन होगा, अब उसी से जितना मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा उसी आधार पर इनकी मान्यता बनती है, नहीं तो नहीं। बताइए अब क्या करना, सब कैसे करना,
ये जो मति ज्ञान का विषय या कृत ज्ञान का विषय नहीं है। सर्वव्यापकता मैंने क्या कहा है, क्यों हम इसको सर्वव्यापक बना रहे हैं? कर्म के सिद्धांत को इतना सर्वव्यापी सर्वव्यापक बनाने का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्यों है? बोलिए चौड़िया जी, कैसे समझ में आएगा? व्यापक यह होगा कि यह संसार में सभी जीवों पर लागू होता है। बस निगोद से लेकर के मनुष्य तक, देवी देवताओं तक, संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, संसार के समस्त जीवों तक एक समान, एक सरीखा, एक जैसा लागू हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। इसीलिए इसको सर्वव्यापी सिद्धांत कहते, और वैसे भी केवल ज्ञानी केवल दर्शनी के सिद्धांत त्रिकाल सर्वव्यापक रूप से संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सब जीवों को बरोबर व्यापी लागू होते हैं। अब संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात जिसको हम अंतिम कक्षा की सूक्ष्म जीव कहते हैं, वो सिर्फ सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के निगोद के जीव जो एक गोले के अंदर एक साथ में अनंत रहते हैं। अब इतने अनंत जीवों का विषय मति ज्ञान कृत ज्ञान वालों का नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान वालों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो है केवल ज्ञानी केवल दर्शनी का ही विषय है और किसी का। ये बड़ी बात है, ध्यान में लीजिए। तो यहाँ पर हम इसी को तो समझ रहे, इसी को देख रहे। विशेषता क्या ख्याल में आएगी आपको इसके आधार पर? अब निगोद के जीवों को भी कितने कर्म है, कैसे कर्म है, कौन से कर्म है, निगोद के इतने सूक्ष्म जीव जो किसी के लिए दृश्य नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी ये बता रहे हैं कि उन जीवों को भी आठों कर्म है, सत्ता में आठों कर्म है, बांध भी रहे हैं, नए भी कर्म बांध रहे हैं, आयुष्य भी बांध रहे हैं, जन्म मरण भी ले रहे हैं, जीवन भी जी रहे हैं, सुख भी है, दुख भी है, राग भी है, द्वेष भी है, क्लेश भी है, कसाय भी है, एक इंद्रिय भी है, शरीर भी है, शरीर भी कर्म से ही बनता है, औदारिक ही शरीर है। इतनी सैकड़ों बातें निगोद के सूक्ष्म जीव के लिए जो दर्शाई गई है, वो सारी बातें केवल ज्ञानी भगवंत ने अपने अनंत ज्ञान दर्शन से। इसलिए ध्यान से सुनिए, निगोद के जीव सर्वप्रथम अवस्था से पर्याय से भी एक क्षण भी कभी भी बिना कर्म के रहे ही नहीं। बिना कर्म के निगोद के जीव होते ही नहीं, एक क्षण भी बिना कर्म बांधे भी निगोद के जीव नहीं रहे। अगर हम निगोद के जीवों को बिना कर्म वाला माने तो मोक्ष की प्राप्ति कर निगोद में से हो जाएगी। नंबर एक, अगर हम कर निगोद के जीवों को बिना कर्म वाला माने तो शरीर कहाँ से बना, इंद्रियां कहाँ से आई, एक इंद्रिय भी आई कैसे, स्पर्श के अंदर आठ प्रकारों का स्पर्श होगा कैसे, जन्म कैसे होगा, मरण कैसे होगा, सुख कैसे होगा, दुख कैसे होगा, जीवन कैसे जिएंगे, आयुष्य कैसे होगा, अब ये हजार बातें निगोद के लिए खड़ी हो जाए यदि कर्म न मानो तो। तो महावीर यही तो भेद कर रहे हैं, जीवा मुत्ता संसारी नो य, ये कहकर के महावीर ने मूलभूत भेद कर दिया है। जीव संसार में दो ही प्रकार मूलभूत, या तो निगोद में है या संसारी अवस्था में या मोक्ष में। अब दो बड़ी पर्याय हो गई, संसारी पर्याय और सिद्ध पर्याय, ये दो। और संसारी हमेशा 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 सकर्मी ही होते, सिद्ध हमेशा हमेशा सदा के लिए अकर्मी ही होते, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं करते, बस ये ध्यान रखिए।
ऐसी स्थिति के अंदर संसार के समस्त जीवों में मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से ये भेद आपको स्वीकार, बस इतनी सी बात। अब इस बात को हम स्वीकार लेते हैं संदेह, मात्र कहने से मत स्वीकारिए। निगोद के जीव अब किस प्रकार से कैसे क्या कर्म मानते हैं, कौन से कर्म मानते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे निगोद के जीवों की व्यवस्था होती है, उसकी बात में सूल निगोद के जीवों के उसके बारे में, वनस्पति काय के प्रत्येक वनस्पति काय के जीवों के उसके बाद में, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के जीवों के, दो इंद्रिय तेंद्रिय चौरेन्द्रिय जीवों के, पंचेंद्रिय में तिर्यंच पंचेंद्रियों के, जलचर स्थलचर खेतर सब जीवों के, अब उसके बाद में नरक के नारकी जीव, मनुष्य गति के मनुष्य और देवी देवता के समस्त देवी देवताओं की जात के सभी जीव, बिना कर्म बांधे संसार में कोई भी नहीं रहता है। जितनी बात जो बातें निगोद में घटाएंगे उतनी ही सभी बातें देवी देवताओं में भी घटानी पड़ेगी, मनुष्यों में, नारकियों में, पशु पक्षियों में, सब में, क्योंकि तो संसार की समान व्यवस्था जो है वो सबके लिए। क्या समान व्यवस्था है? शरीर बनाना अनिवार्य है, इंद्रियां बनाना अनिवार्य है, जीवन जीना अनिवार्य है, सुख दुख अनिवार्य है, आयुष्य अनिवार्य है, शरीर बना करके शरीर में रहना अनिवार्य है, अब अपने सुख दुख की व्यवस्था उसके लिए अनिवार्य है। सैकड़ों बातें हम देखेंगे जो कॉमन रूप से सबके, हाँ जी, ये जरूर तरतमता रहेगी, किसी का सुख कम किसी का सुख ज्यादा, किसी का दुख कम किसी का दुख ज्यादा, ये जरूर व्यवस्था रहेगी, लेकिन नंबर एक, बिना शरीर बनाए तो संसार में कोई रह ही नहीं सकता है, तो बिना कर्म के शरीर कैसे बनाएगा? आपने देखा नाम कर्म के अंदर कितनी प्रक्रिया की प्रक्रिया जो है वो शरीर बना रहे, नाम कर्म की प्रकृतियों में शरीर संबंधी कर्म, शरीर आया तो वर्ण गंध रस स्पर्श आया, शरीर आया तो इंद्रियां आ गई, शरीर आया तो जाति आ गई, इंद्रियां, अब इन सब के बारे में व्यवस्था कौन करेगा भाई साहब, व्यवस्था कौन करेगा, पहले ये देखिए ना। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ जीव, अब ये जो जीव है और इसके चारों तरफ, अब भले कोई भी जीव हो, छोटा बड़ा उसका सवाल नहीं है, कोई भी, अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कौन करेगा, लेगा कैसे, लेने के लिए किसी के पास भी कोई व्यवस्था क्या है, ये आपको पहले देखना है, इनकी बात आप पहले करिए समझे। अब ये जो भी है आठों प्रकार की वर्णन ध्यान से देखिए, बिना इन पुद्गल के परमाणुओं को लिए बिना कोई भी जीव संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। बोलिए चोरडिया जी, ये वाक्य ध्यान में आ गया? नहीं, चलिए, बिना इन पुद्गल परमाणुओं को लिए बिना कोई जीव बिना पुद्गल परमाणु के लिए हुए संसार में कोई भी जीव रह नहीं सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। यस, राइट। और ये लेने के लिए जीव के पास अपनी शक्ति है, ध्यान रखिए, शक्ति जीवात्मा की अनंत है, लेकिन अब इन शक्तियों का उपयोग कर्म कर रहा है। बोलिए नीति बहन, मैंने क्या बोला कि इन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति जीव में है, लेकिन उनका उपयोग कर्म कर रहे हैं। आत्मा के अंदर शक्ति है, ये है अनंत विद्य की शक्ति, अब इस शक्ति के कारण ही आत्मा कर्ता भोक्ता बना हुआ है। बोलिए प्रमोद जी, पहले ये शब्द बोलना है। जी महाराज साहब, जीव में अनंत वीर्य की शक्ति है, इसके कारण ही वो कर्ता और भोक्ता बना हुआ है।
इसी शक्ति के कारण कोई भी जीव जो है कर्ता भोक्ता बना हुआ है, लेकिन अब वो कर्ता भोक्ता स्वयं आत्मा के गुणों का बनना चाहिए, उसके बजाय वो कर्म का बन गया। हमारी टोटल एनर्जी इस समय कर्म में लग रही है, हमारी इतनी अनंत शक्ति होते हुए भी आत्मा की शक्ति आत्मा के काम नहीं आ रही है, आत्मा के गुणों में उपयोग नहीं हो रही है और मात्र मात्र कर्म में ही उपयोग हो रही है। कर्म को ही लेना है, कर्म ही बांधना है, कर्म की प्रवृत्ति करना है, सब कुछ करना है। अब ये आठवां वर्गणा कौन लेगा भाई साहब? लेना तो जीवात्मा को ही है, लेकिन कर्म के कारण लेना है। तो इसके लिए भी आपके पास ये सब है, ये कर्म की प्रकृतियां होनी चाहिए, पर्याप्ति नाम कर्म। अब ये जो है बाहर से बरोबर ये इनको ग्रहण करेगा, खींचेगा और ये खींच करके लेने का काम करेगा, ये काम चल रहा है नाम कर्म का। ये नाम कर्म की प्रवृत्ति है, नाम कर्म का काम चल रहा है। अब नाम कर्म देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, जीव की अनंत वीर्य की इस शक्ति का उपयोग कर्म कर रहा और इसके कारण सब कुछ प्रवृत्ति हो रही, सब कुछ बन रहा है, बना रहा है, शरीर बनाना, इंद्रिया बनाना, सब कुछ बनाने का काम आत्मा ही करी है, लेकिन कर्म के आगे सेम टाइम इसी समय अनंत सिद्ध आत्मा मोक्ष में वहां पर है, उनको कोई कर्म ही नहीं है, उनको कोई बनाना ही नहीं है, इससे एक भी वर्गना उनको ग्रहण करनी नहीं है, लेनी बात पूरी हो गई है ना। मोक्ष में अनंत सिद्ध आत्मा है और वहां पर भी अनंत वर्गनाएं सब है, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, उनको क्यों कुछ नहीं लेना देना है, उनके पास कोई कर्म ही नहीं है, तो उनको कोई बिना कर्म के वो वर्गनाओं को ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। सिद्ध शिला पर लोक के अंत में जहां सिद्ध भगवान है वहां अनंत वर्गणाएं पड़ी तैयार है, वहां पर भी सब जगह पर है सोचिए समझे। अब ये अगर हम समझ रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर एक अब यहाँ पर एक ही सिद्ध नहीं है, अनंत सिद्ध है, लोकांत में सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध है, लेकिन वहां पर उनके चारों तरफ ये सब वर्गनाएं पड़ी, इतनी अनंत वर्गनाएं वहां पर है और अनंत आत्माएं सिद्ध है वहां पर, लेकिन अब कोई एक भी सिद्ध आत्मा एक भी वर्गना का एक भी परमाणु ग्रहण ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं मतलब नहीं। लेकिन इसी समय वहां पर अनंत एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के सूक्ष्म अनंत जीव है और वो बरोबर ले रहे हैं, वो बरोबर ले रहे हैं, उनको ग्रहण करना ही करना है, अनिवार्य रूप से करना है। यहीं पर जो है सिद्ध शिला के लोकांत में वहीं पर अनंत होते हुए वे सब ले रहे, वे ग्रहण कर रहे और सिद्ध की एक भी आत्मा ग्रहण नहीं करी। ध्यान रखिए, वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए भी जीव के पास अपना कर्म होना चाहिए। जैसे कुम्भार बिना मिट्टी लिए घड़ा नहीं बना सकता है, ठीक उसी तरह से जीव आत्मा भी बिना वर्गणाओं को लिए कुछ भी नहीं बना सकता। तो जो बिना वर्गणा लिए कुछ भी नहीं बना सकता है वही सिद्ध है, जिसको एक भी वर्गणा नहीं देनी है वही सिद्ध है, जिसको शरीर आदि कुछ भी नहीं बनाना है वही सिद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है बस। और जिसको संसार में रहना है उसको शरीर भी बनाना है, इंद्रिया भी बनानी है, सब कुछ बनाना है, उनको वर्गना लेनी पड़ेगी, उनको अपना कर्म सक्रिय रखना पड़ेगा, वो कर्म से सक्रिय रह करके आत्मा की शक्ति द्वारा इन वर्गणाओं को खींच कर लेकर कर्म प्रकृति के अनुसार कर्म बांधते जाए। ये काम इधर देखिए, अंदर कौन है? वीर्य काम, इसका उपयोग कौन कर रहा है? नाम कर्म की प्रकृतियां, नाम कर्म की प्रकृतियां इन वर्गणाओं को लेकर शरीर बनाना, इंद्रियां बनाना, जो कुछ करना है बनाना है, बनाते जाएंगे, करता है करते जाए, ये बात निश्चित।
अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब बिल्कुल बना नहीं है, बिल्कुल कर नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर ये करेगा, बिना कर्म के यहाँ कौन करेगा सा? हिंदू धर्म ने, वैदिक धर्म ने ईश्वर की सत्ता बताई, ईश्वर की सत्ता बता करके ईश्वर की एनर्जी, वो शक्ति सब में छोड़ी, बोले ईश्वर ही सबके लिए सब। तो क्या हुआ, उनको वैदिकों को ईश्वर को इतना महत्व, इतना महत्व, इतना महत्व देना है कि ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। ईश्वर को इतना महत्व देने गए, इतना महत्व दे करके, इतना बड़ा बनाने गए, इतना बड़ा महत्व बने करके, कि उसके लिए उन्होंने ये शब्द कर दिया, कह दिया ने नाना से किंचन, बस ईश्वर के सिवा कुछ है ही, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। एक ही ईश्वर को मानना है, एक ही ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर के सिवा अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं। अब ये शब्द उन्होंने बरोबर बैठा दिए, क्या करना क्या वो? एक का अस्तित्व इतना बड़ा करने के लिए और लोगों के दिमाग में ईश्वर बैठाने के लिए सबका निषेध कर, किसी का भी अस्तित्व ही नहीं है, बस ये बात बता दी और ये बात सिद्ध कर दी। था कैसे बताना, महावीर ने ये गलती नहीं, महावीर ने बिल्कुल ये गलती नहीं कही। उन्होंने ऊपर से जीवों का अस्तित्व अलग रखा, अजीवों का अस्तित्व अलग रखा, जीवों के अस्तित्व में इधर अनंत 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 आत्माएं बताई, अजीवों के अस्तित्व में इधर दूसरी तरफ गए, आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका पुद्गल बताए, पुद्गल के अनंत पर्याय बताए, पुद्गल के अनंत पर्यायों में अनंत अनंत परमाणु बताए, अनंत अनंत परमाणु की अनंत वर्गणाएं बताई। अब इन सब के लिए ग्रहण करना सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो है जीव के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर ये विशेषता यहाँ पर लाई गई। तो ये जो है किसके लिए बताया गया है, कौन किसके लिए है, ये बात हमको अंदर से देख। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे कर्म की व्यवस्था, अब कैसे कर्म बनाएंगे, कैसे कर्म बैठाएंगे, ये देखिए आप। तो पहली बात है कि आत्म गुणों से सर्वथा विपरीत भाव, अब ये आत्मा है, अब आत्मा गुणों से, अब ये सर्वथा विपरीत भाव के साथ, अब ये जो अज्ञान दर्शन चारित्र और अनंत वीर्य और अनामी अरूपी, ये अगुरु लघु, ये अक्षय स्थिति अनंत स्थिति, ये सारे गुण बता करके अब कैसे जो इन गुणों का विपरीत कर। मेहता जी ध्यान देकर सुनिए पहले, इसी कारण उन्होंने आत्मा के भी अस्तित्व में ये बातें रखी, किसी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं स्वीकारना, एक भी संसार की आत्मा का अस्तित्व नहीं स्वीकारना, और आत्मा का बात, आत्मा का नाम लेना है, आत्मा की बात करना है, लेकिन आत्मा के विषय में जो है कोई अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र आदि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक ईश्वर बात को इतना बड़ा महत्व देने के पीछे कितनी बड़ी अनर्थ की बातें कर दी, कितनी बड़ी अनर्थ। आत्मा 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 शब्द का प्रयोग करेंगे लेकिन आत्मा के विषय में भी अपनी तरह से ज्ञान सही प्रकट नहीं कर रहे। अब ये सब आत्मा का स्वरूप ऐसा मानो तब जाकर के कर्म का विषय आएगा, नहीं तो नहीं है। अब इन सब गुणों का मैंने बताया आपको, आत्मा का काम ये है, आत्मा तो ये है, अब कर्म का काम जो है ये विपरीतीकरण जो है ये कर्म का विषय है। इधर देख, एक एक के सामने मैंने ये क्या लगाया है, बोलिए यहाँ, बोलिए देख करके बोलिए आप, क्या ये मैंने क्यों निषेध करते हुए क्रॉस लगाया है? आत्मा के गुणों को ही नहीं मानना है, उनके विपरीत आचरण करना। हाँ, ये जो विपरीतीकरण की बात मैं ला रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये तो सब गुण है,
अब वो तो कोई भी इस प्रकार के आत्मा के नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है गुणों का विपरीतीकरण, गुणों से विरुद्ध वर्तन, अब ये सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण ही होगा, उसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प। मात्र गुणों के विपरीत आचरण जो है सिर्फ कर्म के कारण। अब ये सब कुछ जो है तो केवलियों ने तो व्यवस्था कर दी, केवल ज्ञानियों ने तो कर्म सबके बता दिए अलग अलग, और सबके कर्म बता करके ये कर्म आत्मा के गुणों से विपरीत वर्तन, विपरीत व्यवहार, विपरीत आचरण या अल्प रूप में प्रकट करना, विकृतिकरण करना, ये सब कर्म के आधी व्यवस्था बता दी। अब यहाँ पर ये कर्म आ गया, अब इसके कारण ये व्यवस्था हो गई, अब इस कर्म के कारण जो है ये सबके कर्म है। अब ये जो कर्म मैंने आपको बताए हैं संजय, पहली बात नंबर एक ध्यान रखिए मेहता जी, कर्म आत्मा से कोई स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले है क्या? कर्म आत्मा से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं है? क्योंकि बिना आत्मा के कर्म बनेगा ही नहीं, आत्मा कर्म बनाने की क्रिया आत्मा ही करेगा। हाँ इसलिए उसमें अविनाभाव संबंध है, आत्मा है तो ही कर्म है और कर्म है तो आत्मा है ही है। कर्म सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंधे हुए हैं, तो ये आत्मा के साथ एक रसीकरण जो है यही तो कर्म है, इसलिए उसको स्वतंत्र अलग से गिनना नहीं है। नंबर दो, आत्मा प्रदेशों के साथ दूध में शक्कर की तरह से, दाल में नमक की तरह से ऐसे घुल करके एक रस बने हुए हैं, अब वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कर्म का आत्मा से भिन्न सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन कर्म के रॉ मटेरियल के रूप में आत्मा से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व पुद्गल परमाणु द्रव्य का, आत्मा से जो सर्वथा भिन्न पुद्गल परमाणु द्रव्य का जो अस्तित्व है वो कर्म के रूप में नहीं है। ध्यान रखना, समझने की कोशिश करिए, आत्मा से भिन्न बाहर जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल के परमाणु पर्याय है, चाहे अनंत 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 परमाणु है वो किसी भी प्रकार के, वो कर्म के रूप में नहीं है। जब जब ये वर्गणा आत्मा प्रदेशों के साथ शक्कर की तरह से दूध में घुली हुई रह करके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर रहेगी तभी कर्म बोलेंगे, नहीं तो कर्म नहीं बोलेंगे। बोलो अंशा बहन, बोलेंगे? पुद्गल परमाणु जब तक बाहर है वो तो स्वतंत्र है, लेकिन जब तक वो आत्म प्रदेशों के साथ जुड़कर कर्म नहीं बनेंगे तब तक कर्म बंधेंगे नहीं, तब एक ही रसीकरण नहीं होगा, तब तक कर्म नहीं बनेंगे। आत्मा से भिन्न बाहर जगत के अंदर चाहे अनंत पुद्गल परमाणु कितने भी हो, किसी को कर्म नहीं बोलेंगे आप, वो कर्म नहीं है। लेकिन उन्हीं परमाणुओं को ग्रहण करके आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस कर लोगे उसी को कर्म बोलेंगे, अन्य किसी को कर्म संज्ञा नहीं देंगे। पहले ये शब्द बोले नीति बहन। जो आत्मा से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाले वो है केवल पुद्गल परमाणु, उनको हम कर्म की संज्ञा नहीं देंगे, लेकिन वही पुद्गल परमाणु जब आत्म प्रदेशों के साथ एक रस होकर घुल मिल जाते हैं, जैसे शक्कर, जैसे दूध में शक्कर की तरह घुली रहती है, तभी हम उन्हें कर्म की संज्ञा देते हैं। बस ये बात आ गई ना फिर, अब बाहर आप बोलेंगे नहीं ये कर्म देखो, ये देखो ये कर्म, ये देखो ये मेरा वाला कर्म है, ये देखो ये आपका कर्म है, ये कोई बोल ही नहीं सकता। क्या लाया? ये कोई नहीं बोलेगा। बाहर जितने पदार्थ है
आप बोलिए ये मेरा आभूषण है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा जूता है, ये मेरे चप्पल है, ये मेरा टॉप है, ये मेरा फोन, ये मेरा ये। आप जितने पदार्थों को जो संज्ञा देनी है दीजिए, आप कर्म संज्ञा बाहर जगत के किसी पदार्थ को नहीं। अब ध्यान रखिए, जब बाहर किसी को कर्म की संज्ञा नहीं देनी है तो कर्म है ये कैसे प्रूफ होगा? ये तो फिर उनका ही को बहुत आसान लोग है सब। अग्निपुत्र गौतम को बड़ा मजा आ गया, चलो 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 फिर तो मैं बोलता हूँ वही तो सही है, कर्म है ही नहीं दुनिया में, कर्म है ही नहीं दुनिया में, ये उनके लिए सही हो गया ना। हाँ, अब ध्यान रखिए, पहले इसके अंदर के शब्दों को देखिए साहब। बाहर कहीं कर्म नहीं, बाहर कर्म नहीं है, लेकिन प्रत्येक जीव की अवस्था बाहर कर्म के कारण ही है। दुर्गे जी अब ये शब्द बोलिए। हाँ मास्टर साहब, फरमा रहे कि बाहर कर्म नहीं है पर प्रत्येक जीव की जो अवस्था है वो कर्म के कारण ही है। बस अब प्रत्येक जीव की बाहरी अवस्था, जो बाहरी अवस्था उसने शरीर धारण किया, इंद्रियां धारण किए, वो सुखी है, वो दुखी है, वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी है, वो समझदार। अब आप बाहरी पर्याय की अवस्था का एक भी शब्द जीव के बारे में बोल के देखो और वो कर्म जन्य न हो ऐसा संभव ही। मेहता जी बरोबर बोलिए, पहले मैंने बोले वो शब्द। अब बाहर की अवस्था का कोई भी परिणाम कर्म के बिना है, जन्य कर्म के जन्य सिवाय कोई है ही नहीं। अब कैसे बोलिए, आत्म द्रव्य की बाहरी पर्याय अवस्था, आत्म गुणों की विपरीत बाहरी व्यवस्था पर्याय। अब ये सारी बातें आप एक भी बोलो संदेह के नहीं, बिना कर्म के संभव है ही नहीं। चलो, आत्म द्रव्य ने कितनी पर्याय धारण की, कौन कौन सी पर्याय धारण की, वो सभी पर्याय उसके कर्म के कारण ही है, दूसरा कोई कारण ही नहीं। मेरी एक आत्मा ने बीते अनंत भूतकाल में कितनी पर्याय धारण की, जगत की अनंत आत्माओं ने अनंत भूतकाल में कितनी पर्याय धारण की, वो सभी बिना कर्म के होनी संभव ही नहीं। या तो आप लिखो या बोलो या समझो, बरोबर बात बैठनी चाहिए। एक भी आत्मा कितनी पर्याय धारण करेगा? 84 लाख पर्याय धारण करेगा। पर्याय बात चल रही है, ध्यान से शब्द पकड़ना। एक भी आत्मा द्रव्य जो है, आत्म द्रव्य बोलो, कितनी पर्याय धारण करेगा, कर कर करके कितनी पर्याय धारण करेगा? सिर्फ और सिर्फ 84 लाख ही पर्याय धारण करेगा। लेकिन 84 लाख पर्याय वो बार 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 करते करते अनंत बार करे। हाँ, होगी तो 84 में से ही एक ना कोई ना कोई होगी। आज हम मनुष्य हैं तो भी 84 लाख पर्याय के अंदर एक ही है। घोड़ा कुत्ता घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, देव है, नारकी जीव, जो भी है, जितने भी है सब 84 लाख के अंदर ही है। अरे निगोद का जीप भी 84 लाख के अंदर है, आलू प्याज भी 84 लाख के अंदर है, और इधर देखिए तो आम है, नारियल है, कोकोनट, बनाना, मौसम्बी, ऑरेंज, संतरा, जो भी है वो सब 84 लाख के अंदर ही। आप ध्यान से सुनिए शब्द, 84 लाख के बाहर जीव की एक भी कोई पर्याय ही नहीं है। बोलते जाइए सर। हाँ जी, रक्षित बंदी छाजे बोलना है आपको? नहीं, अच्छा, विभागन बोलिए जल्दी। साहिब जी, 84 लाख पर्याय के बाहर जीव की एक भी पर्याय नहीं है। बस बात पूरी हो गई। अब देखिए, केवल ज्ञानियों ने त्रैकालिक बीते अनंत भूत काल, भविष्य में होने वाले अनंत काल के अंदर कितना गणित करके 84 लाख योनियों में होने वाली पर्याय का एक फिगर परमानेंट के लिए दे, एक फिगर परमानेंट के लिए दे दिया है। बीते अनंत भूतकाल में भी यही फिगर रहेगा,
आगामी आने वाले अनंत भविष्य काल में भी यही फिगर रहेगा। 84 का 85 85 नहीं होगा, 84 का एक घट करके 83 नहीं होगा। आदिनाथ भगवान ने सभी पर्याय 84 लाख में की, महावीर स्वामी ने सभी समस्त पर्याय 84 लाख में की, सिमंदर स्वामी ने अनंत पर्याय 84 लाख में की, और ये 84 लाख अनंत 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 से अब आप इस 84 लाख के फिगर को अनंत के साथ गुणाकार कर दो, सीधा हो गया भाई साहब। ये 84 लाख का फिगर और इसको अनंत के साथ गुणाकार कर लो समझे के लिए। तो 84 का फिगर का अनंत के साथ गुणाकार कर दो, अब ये बिना कर्म के कैसे होगा? ध्यान रखिए बेटा जी, मैं आपको वेद के अंदर की वैदिक बातों का ही रहस्य समझा रहा हूँ। वेद दर्शन, वैदिक दर्शन, न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेद आदि में ये भी 84 लाख का ही फिगर बांध रहे। अब आपको कोई मिल जाए वेद दर्शन माने वाले, हिंदू दर्शन के वैदिक कोई एक मिल जाए, बड़े दुरंधर जैसे दुरंधर पंडित मिल जाए, उनको बोलो भाई साहब 84 का गणित आप हमको बता के बैठाओ। 84 लाख योनि, इसका कैलकुलेशन आप कहाँ से कैसे लाते हो ये बताओ। और हमारे यहाँ एक बच्चा बोलेगा 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है। हमारे यहाँ तो एक एक बच्चा बोलेगा 13 डिवीजन के अंदर 7 लाख पृथ्वी का है से लेकर 14 लाख मनुष्य तक के अंदर एक एक बच्चा बोलेगा, और टोटल 84 लाख एवं कार्य 84 लाख जीवनी माही मारे जीवे देखो। ये हमको यहाँ पर रेगुलर सिखाया जाता है बच्चों को पाठशाला में, और हम इसी सूत्र को लेकर के प्रतिक्रमण के अंदर खमत कामना सबके साथ कर रहे हैं। अब ये सारी व्यवस्था बिना कर्म के संभव, 84 लाख में से एक भी लाख योनि में, एक भी योनि में जीव को जाना है, जन्म लेना है, शरीर बनाना है, इंद्रियां बनानी है, जीवन शरीर निर्माण करने के लिए योनियों की व्यवस्था है। आत्मा को शरीर बनाना है तो योनि में प्रवेश करना ही पड़ेगा, तो ही शरीर की व्यवस्था होगी, नहीं तो शरीर ही नहीं बनेगा। ये जो 84 लाख का कैलकुलेशन, और इसके लिए अब 84 लाख के कैलकुलेशन में जीवों को जाने, शरीर बनाने आदि की सारी सिस्टम महावीर ने एक 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 सही ढंग से कर्म प्रकृति के अनुसार बताई, बिल्कुल एक 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 बात कर्म प्रकृति के अनुसार बताई, सब केवलियों ने एक समान एक रूप में। ध्यान से समझिए, 84 लाख के फिगर में सभी केवली एक शरीर की एक ही प्रक्रिया बता रहे हैं, कोई उसमें रत्ती भर चेंज नहीं कर। अब इन सब 84 लाख के अंदर की सारी व्यवस्था एक कर्म कर रहा है, एक कर्म के घर में इसकी प्रकृति है, सिर्फ नाम कर्म के अंदर डिवीजन कर दिया है बिल्कुल इनके सामने। अब आप इन सब आत्मा के गुणों का विपरीतीकरण जो कर्म के स्वरूप में जैसे आ रहा है, वही कर्म सबके हैं सबके, और आठ ही कर्म, आठ कर्मों का डिवीजन करके संसार के अनंत जीवों को एक शरीर के एक जैसी व्यवस्था में बैठा है। अब आप सोच लो भाई साहब कितनी बड़ी व्यवस्था, संसार के अनंत अनंत जीवों की व्यवस्था जो है बिल्कुल एकमात्र जो है आठ कर्मों के हिसाब। सही कारण इसका ये है, संसार के अनंत अनंत जीवों का एक शरीर का ही स्वरूप है, आठ ही गुण है, आठ में एक भी कम नहीं, एक भी जातना नहीं, इतना यूनिफॉर्म स्वरूप जो बताया, इतनी बड़ी यूनिफॉर्म व्यवस्था जो बनाई है, जब सबके गुण ही एक स्वरूप है, एक जैसे समान रूप से, इन सब गुणों पर आने वाले आवरणीय कर्म भी सबके एक तरीके एक जैसे एक समान ही रहे। अब आगे का वाक्य ध्यान से सुनिए, आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान,
एक एक कर्म की अवांतर प्रकृति वाले संसार में कितने जीव है? पहले प्रश्न क्या हुआ बोलिए, छोड़िया जी बोलिए प्रश्न क्या हुआ? आप प्रश्न ये है कि एक एक कर्म की अवांतर प्रकृति वाले कितने जीव है? कितनी प्रकृतियां हैं संसार में, कितने जीव ऐसे हैं? हाँ बात समझ में आ रही है माता जी, क्या हो गया आज मौन रह रहे हैं, बिना बोले कैसे रहेंगे आप? साहिब जी 158 प्रकृतियां हैं कर्म की कुल टोटल। हाँ जी 158 प्रकृति नहीं पूछा है मैंने टोटल, एक एक कर्म की प्रकृति, ये कौन सी प्रकृति है, इधर ये कौन सी प्रकृति है, इधर एक कौन सी, एक भी प्रकर्म की प्रकृति उसकी सब डिविजनल प्रकृति लीजिए और उसके एग्जाम्पल में संसार के अनंत जीव सबके मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म, वेद मोहनीय कर्म, कसाय मोहनीय कर्म, लाभांतराय कर्म मोहनीय, आप जो भी नाम लो 158 में से, उस एक प्रकृति की समानता संसार के अनंत जीवों में है। इसीलिए इसी कारण कर्म की व्यवस्था संसार के अनंत जीवों में बरोबर एक शरीर की व्यवस्था बैठ रही है। तो ये जो मुख्यता है, अब इस बात को लीजिए, एक एक जीव कोई भी होगा, मैंने क्या कहा अभी स्टार्टिंग में, निबोध से लेकर मनुष्य तक के सभी अनंत जीव। क्यों मैं बोल रहा हूँ निगोर से लेकर मनुष्य तक के, पहली कक्षा का अंतिम सूक्ष्म जीव स्टार्टिंग में फर्स्ट कौन है, निगोर। अब जीवों की गणना में 84 में सबसे अंतिम कक्षा का कौन आया, मनुष्य। इसके बीच में सब आ गए, तो ये जो जीवों की व्यवस्था का क्रम है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और अंतिम से अंतिम मनुष्य है, सब जीवों को एक समान एक शरीर की सभी व्यवस्था सबको एक शरीर की लागू हो रही है। एक एक कर्म प्रकृति, जिसकी जो कर्म प्रकृति होगी उसी प्रकार की कर्म प्रकृति सबको एक शरीर की लागू। इधर देखिए, मेरे में अभी मति ज्ञानावरणीय कर्म है, आप में सब में है कि नहीं, किस में नहीं है हाथ ऊपर करो, मति ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है, श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है, निद्रा दर्शनावरणीय कर्म है कि नहीं, कसाय मोहनीय कर्म है कि नहीं, वेद मोहनीय कर्म है कि नहीं, अंतराय कर्म है कि नहीं, नाम कर्म की प्रकृति, वेदनीय कर्म की प्रकृति, जो भी कोई भी लो साथ सबके अंदर सभी। अब जिसने प्रयत्न विशेष करके जिस कर्म प्रकृति का क्षय किया होगा, क्षयोपशम किया होगा, वही कर्म की प्रकृति उसने घटाई होगी, कम की होगी, अन्यथा संसार का एक भी जीव हो सा बिना कर्म की प्रकृति का नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, अब मैं ध्यान से बोल सुनिए, आप बराबर बोलता हूं, क्या देवलोक के देवी देवताओं के अंदर मिथ्या तो मोहनीय कर्म की प्रकृति नहीं होती है? क्या आप ना बोलेंगे क्या? अरे देवी देवता हुए तो क्या हो गया, आपने क्या दिमाग में बना रखा है, देवी देवता इतने बड़े क्या समझ रहे हो आप? नहीं, महावीर क्या कह रहे हैं, देवी देवता भी इसी संसार का एक अंग है। There are the four wheels of the one car. Same like that, there are the four directions of the one swasti. संसार के चार दिशाएं हैं, चार गतियां हैं, और चार गतियों में एक गति देव गति है। है क्या इसमें बड़ी बात? देव गति के देवी देवताओं में आठों कर्म है, आठों कर्म की 158 प्रकृतियों में से जितनी उनके अंदर घटती है उनके अंदर है, जितनी मनुष्य में घटती है मनुष्य में, जितनी पशु पक्षी में घटती है उनकी बनी। ये महावीर ने आठ कर्म और 158 प्रकृति की यूनिफॉर्मल व्यवस्था यूनैनिमसली सबको लागू होने वाली जो बताई है, ये कोई सामान्य बात नहीं है भाई साहब। आठ कर्म और 158 प्रकृति
उसी को अप्लाई करने वाले संसार के अनंत जीव, संसार के इतने अनंत जीवों में इतनी आठ कर्मों की 158 प्रकृतियां सब में कैसे लागू होती है, किसमें कौन कितनी कम ज्यादा है, किसमें कौन सी कम ज्यादा है। कम ज्यादा का मतलब क्या हुआ, हम मनुष्य हमने औदारिक शरीर बनाया तो ये कर्म प्रकृति देवताओं में नहीं जा करके वैक्रिय शरीर तो वैक्रिय बनाया तो वैक्रिय कर्म प्रकृति, बात तो इतनी सी है और है क्या, किसमें कौन सी कर्म प्रकृति करेगी। हम मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है, निगोद के जीव एकेंद्रिय प्राणी है, तो उनको एक ही इंद्रिय, हमारी पांच इंद्रिय तो चार इंद्रिय उनको नहीं है तो मत घटाइए, एक इंद्रिय तो एक ही इंद्रिय वाला, लेकिन इंद्रिय पर्याप्त तो है कि नहीं। नियम क्या हुआ, बिना इंद्रिय का संसार में एक भी जीव होता ही नहीं है। फिर क्या सवाल है, तो प्रत्येक जीव को इंद्रिय तो बनानी पड़ेगी, शरीर बनाया तो इंद्रिय बना दिया, इंद्रिय बनाएगा अपना कर्म बनाएगा भाई साहब, बिना कर्म के कोई इंद्रिय नहीं। अब मेहता जी ध्यान से सुनिए, इसलिए वैदिक दर्शन के अंदर उन्होंने एक इंद्रिय की बात ही उड़ा दी, एक इंद्रिय जीवों की व्यवस्था ही नहीं है उनके अंदर। कीड़े मकोड़े को उन्होंने जीव कहा, पंचेंद्रिय मनुष्य को कहा, ये व्यवस्था ही नहीं है सर। अब आप बताइए, अगर एक इंद्रिय जीवों की व्यवस्था ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो 84 लाख की व्यवस्था कैसे होगी। इधर हम 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का, 10 लाख पृथ्वी को, 14 लाख साधन, इतनी सारी तो एक इंद्रिय में गई। सबसे ज्यादा एक इंद्रिय में जीवों में आ रही है, ऐसे नहीं होता है भाई साहब। आप किसी को जीव मानो और किसी को ना मानो, ऐसा नहीं करते है ना। इस केवल केवल ज्ञान की इस व्यवस्था को तोड़ करके कोई भी अपनी व्यवस्था बैठाने जाएगा, वो व्यवस्था कभी सही बैठ ही नहीं सकती। उसमें जो है बहुत बड़ी क्षति आएगी, बहुत बड़ी कमी आएगी, बहुत बड़ी भूल होगी साहब। केवली के सिद्धांत से भी फरीद जा करके बिल्कुल उल्टा मानोगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाए। उन्होंने उड़ा दी साहब हिंदू धर्म के अंदर वैदिक दर्शन वालों ने, पृथ्वी का पानी अपनी अग्नि वायु का ये सब जीव ही नहीं है, जीव ही नहीं है, जीव नहीं है कह के उन्होंने उसको पंच महाभूत बता दिया। अब पंच महाभूत बना दिया, जीव नहीं है ये कह दिया, अब वो उनकी हिंसा से कैसे रुकेंगे, इसमें क्या हिंसा है, इसमें क्या हिंसा है। और महावीर ने तो बड़ी गजब कर दी, केवलियों ने साहब सबसे बड़ी संख्या ही केवलियों की बताई, अनंत अनंत जीव तो साधारण वनस्पति काय में, फिर जो है बादर साधारण वनस्पति काय में, यही तो जीवों की सबसे बड़ी खदान है। उसके बाद प्रत्येक वनस्पति काय में अनंत जीव, अब काय पानी में अनंत जीव, अग्नि काय की जल राशि में अनंत जीव, अग्नि काय में अनंत जीव, पृथ्वी काय में अनंत जीव, वायु काय में, ये सबसे बड़े अनंत 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 की संख्या तो सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रियों के अंदर ही। ऐसे नहीं होता है, केवली के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत चलकर उल्टा करना, ये गलती मत करिए, इतनी बड़ी गलती मत। यहां पर बरोबर जो है केवल ज्ञानी के सिद्धांत को स्वीकार, मात्र जीव आत्मा ही नहीं, महावीर ने केवल ज्ञान के हिसाब से दोनों की व्यवस्था, इधर जीवों की व्यवस्था, इधर उनके कर्मों की व्यवस्था, इतनी इतनी जबरदस्त बैठाई है, इतनी व्यवस्थित बैठाई है कि कहां कहीं पर भी शंका को अवकाश नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था। हाँ जी बोलिए साहब, प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं मेहता जी। साहब आज के विषय में आपने जो बताया उसमें से 3 बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर वेद आत्मा के गुणों को माने तो वो गुणों को प्रकट न होने का कारण भी उनको मानने की आपत्ति आ जाती है, और वो कर्म के बिना मान ही नहीं सकते,
इसीलिए वो गुण को नहीं मानते हैं, आत्मा के गुण को मानते हैं, सही है ना? बिल्कुल सही। और दूसरा ये बताया कि कर्म बाहर की जो भी अवस्था है वो बिना कर्म के संभव ही नहीं है, और कर्म बराबर, तो कर्म आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, आत्मा ही है, यानी कि बिना आत्मा के बाहर की व्यवस्था भी संभव नहीं है। तो जो दृश्य जगत हमें दिखता है वो सब कर्म के बोलिए, मतलब बिना कर्म, बिना कर्म के, मगर कर्म को शक्ति जो भी है, शक्ति है वो तो आत्मा ही देता है। तो ऐसे वो कर्ता रूप में वो आत्मा ही कर्ता जगत का कर्ता हो सकता है ना, वो एंगल से आप बहुत आगे चले गए, बहुत आगे। आत्मा को जगत का कर्ता मत बताइए। अच्छा ठीक है सर। और दूसरा, आठ प्रकार की जो 158 प्रकृति जो जीव अप्लाई करके बाहरी परिस्थिति होती है, उसी को हम क्या दृश्य जगत कह सकते हैं, वो भी सही? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए छोड़िए। हाँ क्या कि महाराज साहब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ओलो के वेद वेदांत दर्शन आत्मा को क्या मानते हैं महाराज साहब? आत्मा को ईश्वर मान लिया है, आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई है नहीं, ईश्वर के सिवाय कुछ है नहीं, ये बात तो उन्होंने कर ली। नहीं, जो मेरा जो स्वतंत्र अस्तित्व वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ? आपका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उनका ईश्वर एक ही है, एक ही ईश्वर का अस्तित्व है और दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, तकलीफ यही हो गई ना। अब ईश्वर के सिवाय दूसरी आत्माओं को मान ले तो अपने समान मानना पड़ेगा, तो कई ईश्वर की आपत्ति आ गई तो बोले मानना ही नहीं, एक ईश्वर की आत्मा को मानना, वो दूसरे कोई नहीं है, बाकी उनके अंश है, शेडो है, और उनके जो है रिफ्लेक्शन के रूप में वो सब व्यवस्था बैठाते हैं। लेकिन ऐसे व्यवस्था बैठाने से बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था बैठ नहीं पाती है। नमस्ते महाराज साहब, मेरा प्रश्न है कि वैक्री जीव में कितने इंद्रियां होती है? 5 इंद्रियां होती है। वैक्री जीव ऐसी संज्ञा कहाँ से लाया? वैक्री देवता जो होते हैं, फिर ऐसे वैक्री जीव क्यों बोला? अच्छा, देवता की कितने इंद्रिय? 5 इंद्रियां होती है। बिल्कुल। और ये सिद्ध आत्मा भी 84 लाख में आता है क्या? हाँ, वो भी 84 लाख में है। क्या बता, 84 लाख के बाहर तो कोई है ही नहीं, 84 लाख के बाहर दुनिया का एक भी जीव नहीं है, सबका 4 लाख देवता आ गए कि नहीं आ गए? 4 लाख देवता की उसको भी तो योनि गिननी पड़ेगी, तभी तो उनका उत्पत्ति होगी, नहीं तो कैसे होगी? साहिब जी, सिद्ध परमात्मा की तो पर्याय होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? सिद्ध परमात्मा जैसे 84 लाख पर पर्याय है, बट सिद्ध क्यों, ये क्यों पकड़ के बैठे हो? अब वो अशरीर है, फिर 84 लाख में क्यों गिनते हो? वही मैंने कहा कि सिद्ध परमात्मा की तो पर्याय ही नहीं है, शारीरिक पर्याय तो है ही नहीं, शरीर पर्याय नहीं है। अब ये बोलिए कि सिद्ध के आपका वाक्य क्या था, सिद्ध की कोई पर्याय नहीं। अब मैं वो अलग से बताऊंगा सिद्ध की पर्याय कौन सी कैसी होती है, वो अभी हमारा मोक्ष का विषय 2-4 क्लास और है, उसमें आ जाए। आप जब प्रश्न बनाओ तो वाक्य रचना सही बताओ। विभाग जी बोल साहब जी, अग्निकाय और वायुकाय जीव में, उसमें अनंत जीव होते हैं, तो हमारे से तो विराधना बहुत होती है, तो कैसे करना चाहिए? अब वो आप कैसे करेंगे साहब, सबके अंदर जीव राशि है, अग्नि के एक जीव, एक शरीर में अनंत जीव नहीं है, लेकिन संसार में अग्नि के अंदर अनंत जीव है, ये कहने का है। वायु काय में भी संसार के अनंत जीव है, ये बात उनकी है, सत्ता तो है ना तो नहीं कहते जी। महाराज, मेरे 2-3 प्रश्न है। पहला यह है कि जो जैसे हम जैनिज्म में कर्म की डेफिनेशन मानते हैं, जो आप जैसे आपने समझाया, तो दूसरे दर्शन में कर्म की क्या डेफिनेशन है? नहीं मानते हैं वो, कर्म ही नहीं मानते हैं, ईश्वर के हाथ में सारी व्यवस्था दे दी है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर की व्यवस्था करता है, तो वो कर्म को नहीं मान रहे हैं। कि ईश्वर कर्म को माने तो ईश्वर छोड़ना पड़ता है, ईश्वर को माने तो कर्म छोड़ना पड़ता है। ओके ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज साहब,
जैसे जो अनंत सिद्ध हो गए हैं वो सिद्ध शिला में जो उनकी एग्जिस्टेंस है दे एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज और दे ऑल मर्ज इनटू वन नो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिटी ओके ओके राइट राइट नमो ओरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो वज्जायरम नमो लोहे सर्व कारणम एसो पंच नमो कारो सर्व पाप परासनो मंगलानम च सर्वे सिं परमं भवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोतम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मान् जयति सीता।